ॐ जय मंगल मूर्ति प्रभु जय मंगल मूर्ति गुरुदेव जय मंगल मूर्ति गुरु के कारण वर्णन करता हूँ इस कारण अंधकार से प्रकाश की ओर जिला सतना के मुख्य अतिथि सतना जिला के जिलाधीश महोदय श्री संतोष मिश्रा जी मैहर के विधायक श्री नारायण पांडे जी मैहर के हमारे सतना नागरिक आंगनबाड़ी डॉक्टर सतना परिवार के सदस्य अंधकार से प्रकाश की ओर ये दुनिया में वही भी एक नया कल्चर है। अभी तक ऐसा कोई कल्चर नहीं आया था। अपने पोलियो मुक्त सुना स्मॉल पॉक्स सुना मोतिया भी मुक्त नहीं हो सकता क्योंकि मोतिया में जो मरीज बीमारी है और उम्र की है जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे मुक्त और चाहे वो चोट की वजह से हो उम्र की वजह से हो लेकिन ये प्रयास तो किया जा सकता है कि उसका बैकग्राउंड है उसको तो दूर किया जा सकता है और उसके लिए पहला प्रयास चित्रकूट में शुरुआत की और उसमें बहुत सफलता मिली जो साल भर में जो चित्रकूट आप और सब जानते हैं सदगुरु नेत्र चिकित्सालय इतने सालों से काम कर रहा है तो हम लोगों ने सोचा कि जब इतने साल से हम काम कर रहे हैं तो चित्रकूट में कितने मरीज मिले 50 साल से काम कर रहे हैं हर साल जो 3,000-2,500 ऑपरेशन होते थे उसकी जगह 10,000 ऑपरेशन चित्रकूट के हमारे जो कलेक्टर थे उन्होंने बहुत सहयोग किया था तो फिर बात आई बांदा से अमीरपुर से महोबा से तो हमारे जिलाधीश महोदय भी कम नहीं थे तो उन्होंने मुझे सत्ता के अंदर कहा डॉक्टर साहब आपको मालूम है कि चित्रकूट 17 जिले में आता है मैंने कहा मुझे मालूम आता है तो क्या आप समझते होंगे कि दिया तले अंधेरा है और मैंने उनको आश्वासन दिया उनका प्रयास था उन्होंने बहुत उसमें मेहनत की है और उसको प्रयास को हम लोगों ने फलीभूत करने के लिए कोशिश की है कि 17 जिला भी मोतिया बिंद रहे थे और उसके लिए पूरे गांव गांव में हमारे आंगनबाड़ी वर्कर जा रहे हैं सर्वे कर रहे हैं उनका एक बहुत बड़ा योगदान है और उन जिन मरीजों को कम दिखता है उसको सेंटर में जाते हैं और जिनको मोतिया बिंद से चिन्हित होते हैं उनको फिर जानकी को ले जाकर और भोजन कराकर उनके घर वापस भेजते हैं केस मिले हैं अभी तक हमको 12,000 केस हो चुके हैं 10,000 केस अभी हमारे बाकी हैं और मैया के हमको 2500 ऑपरेशन करने थे उसमें से 1500 ऑपरेशन हो गए हैं 1000 ऑपरेशन अभी बाकी है शायद आज हम लोग प्रयास करेंगे और 1-2 महीने का प्रयास करेंगे तो मैया की पूरा का पूरा हो जाएगा और हम ऐसा प्रयास करें कि मैया के अंदर एक भी व्यक्ति मोतिया बिंद से पीड़ित न हो उसको हम लोग चित्रकूट ले जाकर ऑपरेशन कराकर उसको वापस करें जरूरी नहीं है कि चित्रकूट ही जाए सब सकता है सपना जाए कहीं भी जाए लेकिन मोतिया बिंद से पीड़ित न हो ये हम सबका प्रयास हो आपके दिन से इस अच्छे कार्य की शुरुआत हो रही है तो इसके लिए सामान्य डॉक्टर साहब के लिए साहब को धन्यवाद देता हूँ धन्यवाद देते हैं सामान्य डॉक्टर साहब को जिन्होंने पहल किया और यहाँ तक आप सबको पूरी टीम बुलाने का काम किया मुझे सही लगा कि हमारा चित्रकूट और सत्रह विश्व में इस
आई का था जो हॉस्पिटल है जो आप लोगों की भर्ती वहां होती था, मुझे लगा कि यहाँ से किसी को सफल शिष्य नाम प्राप्त करते जो वहाँ की पूरी मशीनरी के खाते हुए आपने की है, जो भी देना तक आंखों में जो भी नहीं होती उसको कैसा महसूस होता होगा कि अगर जाने अपने आगे शहर में बंद करके सोचे उसको कैसा लगता होगा। तो ये आंखों की जो भी देने का काम कर रहे हैं आप लोग, वास्तव में ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। मोदी जी मुक्त आज अभियान में प्रस्तुत डॉक्टर जैन साहब हमारे लोकप्रिय कलेक्टर करता उसी से ही इस प्रयास में विचार की हर आंगनबाड़ी केंद्र में व्यवस्था हो जाए और यहाँ पर स्वच्छता के भी मेरी शुभकामनाएं हैं कि हमारे यहाँ पर आप आए हैं तो पूरी सुविधाएं आपको मिलेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। जब यहाँ आया था तो बातचीत के दौरान पूरी उपलब्धियाँ दिख रहा था, देख के अच्छा लग रहा था, इतना बड़ा अस्पताल इस जिले के कोने में है, इतना काम कर रहा। समय के साथ शरीर में जो कुछ परिवर्तन आते हैं उसमें आंखों की ज्योति का कमजोर होना भी होता है, लेकिन आधुनिक चिकित्सा पद्धति में कम से कम एक्ट्रेस के कारण जो परेशानी होती है उसको हम दूर करते हैं। सदगुरु के बाद बस्ते जाके जैसे बिल्कुल साधुओं के बीच में आता है, उसका काम एक ही है कि उनके जिंदगी में अंधकार है वो उसकी नहीं है, उनको 80% लोग वहाँ पर फ्री एडचेक ऑपरेशन होते हैं और ऑपरेशनों की क्वालिटी ऐसी है कि कोई कलेक्ट करके ये नहीं कहने आता कि उनकी समस्या हो रही है, बल्कि आता है कि साहब बिल्कुल इसके कारण मेरी जिंदगी बदल गई। इतनी क्वालिटी के साथ 1,36,000 ऑपरेशन साल विश्व में कैटरेक्ट से संबंधित इतने ज़्यादा ऑपरेशन एक ही संस्थान में कहीं नहीं है। इनफैक्ट मैं बताना चाहूँगा पूरे प्रदेश में जितने ऑपरेशन कैटरेक्ट के होते हैं उसके आधे से ज़्यादा केवल और केवल हमारे डॉक्टर होते हैं। कोई 36,000 के बीच में हमारे कैटरेक्ट बैकलॉग का भी आंकड़ा है, उसमें से आधे से ज़्यादा आप कर चुके हैं और अब तो सही समय आया है बाल टिकट का काम सीजन भी आता है। अगले 3 महीने में हम लोगों का लक्ष्य है कि जो मेरे 10-11,000 आती हैं उनको पूरा कर दिया जाए ताकि मार्च तक यह जिला प्रदेश के उन देश के उन जिले जिले जिलों में आ जाए जहाँ से बैकलॉग। एक तो परीक्षण के दौरान जिनको आंखों में छोटी मोटी समस्याएं हैं सिर्फ कैटरेक्ट का हम नाम दें, ये इस पूरे अभियान छोटा बनाता है। आंखों से संबंधित जितनी बीमारियां होती हैं उनका इलाज भी हम साथ साथ कर रहा है, ये एक और होगा। आज हम बहुत पवित्र नगरी हमारी माता अल्लाह देवी की मंदिर में नगर में यह प्रारंभ कर रहे हैं और आज भी ये अभियान तीन टीमें आई हुई है कि चार साल गर्मियों में करते आज भी यह शहर को तो शहर में तो जितने भी कैटरेक्ट वाले पेशेंट हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे और उनको आज या कल में जो भी सुविधा होगी किसी को जाकर उसका ऑपरेशन में जैसे हुआ उनको इन 3 महीनों के अंदर मतलब आप जैसा कहेंगे जैसी सुविधा चाहेंगे जो सहयोग चाहेंगे जिस विभाग का करें वो आपको युवा देंगे, लेकिन चाहते ये कि जनवरी या फरवरी तक सबसे पूरा जिले का हो जाए। मैं यह मानूंगा कि मैयर में माता अल्लाह देवी के आशीर्वाद से हम सबसे पहला ब्लॉक होगा इस जिले का जो बैकलॉग की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। सभी आने वाली बातों को फोन मोबाइल पर मिले और आप जानते हैं कैसे इसको किस तरह से करना है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बड़े बड़े शहर में सतना मध्य प्रदेश कैंपस पांडे सर हैं, उन्होंने प्रेरित की, उनके साथ में शुक्ला सर भी आए थे, तो उसने एक सॉफ्टवेयर किया हुआ है। उस सॉफ्टवेयर के साथ हमने मरीजों को कैसे हमें डोर टू डोर सर्वे करना है तो ऑनलाइन फीडिंग डायरेक्ट हो रही है। जैसे किसी भी पेशेंट से हम बात कर रहे थे
तो उसका हम एक इसमें सॉफ्टवेयर है उसको अपलोड करने के बाद स्टार्ट करते हैं, फिर उसका सर्वे कर रहे हैं और उससे डायरेक्ट जानकारी सर के पास पहुंच रही थी कि उसको कैसे हमको करना है और किस प्रकार से करना है। आप बता सकते हो कुछ कहाँ मैं कर दूँ किसी का तो हो जाए किसी का भी देवो, देवो किसी। सर आपका सर्वे हो रहा है जो हर वार्डों में हो रहा है उसके लिए मैं आपका थोड़ा सा एक फ़ोटो लूँगी और आपकी आपसे कुछ जानकारी लूँगी, वो आप जानकारी मुझे देंगे तो इसकी ऑनलाइन फिटिंग हो जाएगी। जब आप मेरे पास आएंगे हमारे यहाँ जब शिविर लगेगा तो उस शिविर में आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी और आपका डायरेक्ट डाटा फिट होगा तो उसमें आप अपनी जानकारी ले सकते हैं। क्या नाम है आपका? नारायण त्रिपाठी जी। पुरुष कितने वर्ष के हैं आप? 52 वर्ष। क्या काम करते हैं? समाज सेवा। समाज सेवा। कहाँ रहते हैं? मैहर। वार्ड क्रमांक? वार्ड नंबर 2। और कौन से मोहल्ले में? वार्ड नंबर 2 रीवा रोड मैहर जिला सतना मध्य प्रदेश। 22 तारीख दिन रविवार को हमारे यहाँ हर वार्डों में शिविर लग रहा आँख जांच का, उस शिविर में आप अपनी आँख जांच कराने जरूर आइएगा। जो 22 तारीख में बोल रही हूँ आपसे वो आज ही है, 22 नवंबर का दिन है। थैंक यू सर। ये भी बोलो ये कहाँ आ गया? ये कहाँ आ गया? ये ऑनलाइन जो भी आपका चला गया आज तो ये